नमस्कार, भाग्य दर्शन कार्यक्रम को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत जनाऊँ मु प्रज्ञा। आज आपण मानक कह आज हूँ बसंत पंचमी माने सरस्वती पूजा स्त्री पंचमी कौन करेंगे उपाय आपणकर ऋणमुक्त केमती रही ऋण जदि रही प्रतिकार कह पाने केमती पाठ पढ़े जो मैंने गीत गाँव से केमती आहुरी अधिक भल गीत गाइबे प्रशंसा मिले नेम फेम सब। आज दिन हूँ अबुझा मुहूर्त किसी देखा जाए तिथि बार नक्षत्र इत्ते शुभ दिन जोटा कि वर्ष तो मात्र पांच छटी दिन एमती अच्छी भितर आज एक दिन आपड़ आज किसी शुभ कार्य आरंभ करें कि नुआ कार्य आरंभ करें कौन सी बिजनेस है कि डील है कि कार्य बहुत भल दिन अच्छी कितु मुझे आपण मानक कही कि जो मानक लोन अच्छी से माने आज सका स्नान करे स्नान कलापर एक दीप आपण घीर दीप नहीं पारती राशि तेल दीप नि आज दिन में आज शुभ समय आपण कौन करेंगे ये घीर दीप को आपण असुस्थ वृक्ष चारिपाखे आपण नौ थर परिक्रमा करेंगे नौ थर परिक्रमा कर जो वृक्ष मूल आज आप जो दीप नहीं थे घीर दीप हो राशि तेल दीप को अर्पण करेंगे अर्पण कर सारापर गोटे चाखंडे मटी खोली आपण से चाखंडे रो परे जो माटी आसीबो से माटी को आपण आणी के आसीबे आपण को जो घरटा लोन करिछंती से घर जो लोन रही से लोन जोठी रही आपण ऐशान्य कोण रे से माटी को आपण रखिबे वायु जदि आपण को ऐशान्य कोण रे सेमती करे किसी भल जगह ने ताको नॉर्थ आड़ को भी टिके आनी परिबे एहाको आपण रखिबे एवं प्रत्येक दिन स्नान परे से माटी को आपण स्पर्श करिबे एवं पूरा सामान टिके माटी आनी आपणकर मस्तक रे लगे परिबे एवं प्रत्येक दिन जेतले पूजा करिके से माटी को आपण आनीथिबे आपण कहिथिबे कि मु ऋणमुक्त हेबाकू चाहूची एहाको सरस्वती पूजा रे जदि एई दिन रे आपको आपण ये क्रिया को करेंगे तेज आपण एथरु संपूर्ण भाव में ऋणमुक्ति हेबे किंतु श्रद्धार सहित करिबाकु पड़िबो श्रद्धार सहित नकले श्रद्धा नहीं तो कहीं प्रकृति आम कथा शुणब तो श्रद्धार सहित आपन करूँ किसी ना आप वृक्ष देवता मूल से माटी को आनले ना तो यहाँ हूँ ऋण मुक्ति आपन करेंगे। आउ गोटे कथा हूँ जो मैंने विशेष भाव जो मैंने यूपीएससी प्रस्तुत रोचे कौन करेंगे मास यूपीएससी जो मैंने पढ़ापढ़ी करूँ सरकारी कर्मपाई माँ सरस्वती द्वादश नामावली को आपण एक बाइंडिंग करदे पेपर रेड पेन लिखिले यह आपण माँ सरस्वती पाखे एक दीप जाड़ीदे दीप जाड़ी को यह आम पाठ कले पाठ करके आपड़ जो जगार पाठ पढ़ुंटे दिन तो पाठ पढ़ा जाए कि माँ को आम तो माँ को मंत्र जपि पारना से दिन तो द्वादश ना को आपड़ पाठ कले कलापर आपणकर जो पाठ पढ़ुंटा पूर्व दिगरे उत्तर दिगरे आपड़ चिपके लगेदे पर प्रत्येक दिन पाठ पढ़ला बेले फास्ट पाठ पढ़े प्रथम माँ को नाम ने आपड़ पाठ पढ़े ये तो गला जो मैंने गीत गाँव जो मैंने प्राक्टिस जो मैंने सिंगर हवा को चाहूँ से मैंने कौन करेंगे कंठरे सरस्वती रही था आम जीभ द्वारा आम तो गीतटा गाई था ना जो कथा कही था वाणी तो कौन कंठर आसी थाए आपण कौन करेंगे माँ सरस्वती को आप चंदन अर्पण करेंगे यहाँ हूँ कौन करेंगे देले आप दुब द्वारा बा तुलसी काठी द्वारा जदि ये दुईट आपण ना तेज डालिंब काठी हूँ थर्ड ऑप्शन आपण ने क्या सान आपण जी गुरु अच्छा आप जहाँ पाखु गीत शिखुं आपत जीभर लिखिदेवे ओं ऐं सरस्वती नम एवं ता सहित आपण एटा हूँ समस्त जो मैंने माँ सरस्वती को चाहूँ विद्यार्थी माने जो मैंने गीत गाँव से माने जो मानकर कथा कम्युनिकेशन रे अर्थ इनकम करने को चाहूँ बाणी तो स्ट्रंग हवा दरकार ना बाणी रे माँ सरस्वती रहिबे तो कौन करेंगे आप खंड हलदी ने हलदी रहा आप केशर को टिके हल्का कि ओदा करदे नहले जदि केशर ना आपण केशर आप रखि पार ना ना तो आपड़ कौन करेंगे सिंदूर सिंदूर से घी मिसेदे घी मिसेक आप जो खंड हलदी में आपणकर गोत्र लिखिदेवे फास्ट आप जो कौन लिखे तुलसी काठी ना दुब ना डालिंब काठी से लिखे ओं ऐं सरस्वती नमः कौन लिखे से जो हलदी खंड हलदी लिखे नौ खंड हलदी को आपण आणवे हलदी में गंगा जल धोईदे सिंदूर घी को एपटे मिक्स कर रखिथे से आप सिंदूर से लिखिदे जदि केशर ना लिखिदे कि लाल धागा आपदे
କରିକି ଏହାକୁ ଆପଣ ହାତରେ ଧରିବେ। ଦ୍ୱାଦଶ ନାମାବଳୀ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ନୀଳ ସରସ୍ୱତୀ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ବିଜୟ ମନ୍ତ୍ର, କିଛି ବି ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଛି, ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରରେ ଆପଣ ପାଠ କରିବେ, ଯେତେ ସମୟ ଆପଣ ପାଠ କରିବେ, ଦୀପ ଲଗାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଦୀପ ଲଗାଇବେ, ତାପରେ ଆପଣ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପିକି ଏ ମାଳାକୁ ଆପଣ ମାଆଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ମାଆଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ଦିନ ସାରା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲା, ତା ପରଦିନ ଏହାକୁ ଆପଣ ଆଣିବେ, ଆପଣଙ୍କର ପଢ଼ା ଟେବୁଲ ପାଖରେ ରଖିବେ। ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ରହୁଛି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେ ବେଶୀ ବସିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତି, ସେଇ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ରଖିବେ ଏବଂ ପ୍ରଣାମ କରିବେ ସବୁଦିନ, କାରଣ ମାଆଙ୍କୁ ସେଇଟା ଆମେ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ତ ଆପଣ ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ଦେଖିବେ ମାଆ ସରସ୍ୱତୀ କୁଆଡ଼େ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଠ ଛାଡ଼ିକି ଯିବେନି, ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ମାଆ ରହିବେ। ମାଆଙ୍କୁ ଆପଣ ସେମିତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଏଇ ଉପାୟକୁ ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ କରନ୍ତୁ, ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ କରନ୍ତୁ, ପୁରା ସମର୍ପଣ ଭାବ ସହିତ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୁଭଫଳ ମିଳିବ। ଆଜି ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି ଭାଗ୍ୟ ଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ରଖୁଛି, ବିଦାୟ ନେଉଛି, ନମସ୍କାର।